का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आखिर आई गई। आप सभी समाजजनों को सादर प्रणाम, नमस्ते। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले लंबे समय से समाज हितार्थ के लिए वेबसाइट बनाने का बात चल रही थी, जिसको लेके हमारे आदरणीय प्रोफेसर अहमदाबाद गांधीनगर के आदरणीय प्रोफेसर सुनील कलिया जी, जिनकी सफल पहल से आज वेबसाइट तैयार हो चुकी है और आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी एवं हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जी, हमारे आदरणीय विधायक लक्ष्मण जी नापा के सानिध्य में एवं हमारे गुजरात योग बोर्ड के हमारे चेयरमैन साहब शिषपाल जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में आज ये वेबसाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे भी हो, ऑनलाइन हो, आधुनिकीकरण के माध्यम से समाज संगठित हो, समाज एक मंच पे आए, ये हमारी पहल है। जो भी हमारे समाज में अच्छे से अच्छा कार्य करेगा, हम उनका तन मन और धन से सहयोग करेंगे। मैं अच्छे और जागरूक कार्यकर्ता सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान चार भुजानाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। समाज की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया जी ने ऑनलाइन वेबसाइट का उद्घाटन किया। गुजरात के गांधीनगर से हुई वेबसाइट लॉन्चिंग और समाज में हर स्तर पर जन जागृति के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लंबे समय से समाज की वेबसाइट बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। संपूर्ण देश में लॉकडाउन के दौरान कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज की ऑनलाइन मीटिंग आयोजित हुई है। ऑनलाइन मीटिंग में समाज के सदस्यों ने तय किया कि समाज के साथ अब आधुनिकीकरण में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर एवं सेवी सुनील कलिया गांधीनगर गुजरात ने बताया कि आज के समय में और समाज संपूर्ण देश में कौन कौन से स्थान में निवास करता है, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए एक वेबसाइट तैयार करना है, जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से घर बैठे समाज के लोग समाज की वेबसाइट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, अपनी रिश्तेदारी में बढ़ोतरी एवं सामाजिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए समाज की ओर से ऑनलाइन वेबसाइट मोबाइल ऐप के माध्यम से अब दो कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। एक तो समाज को संगठित करने का कार्य, दूसरा कार्य समाज के सामाजिक कार्यक्रमों बढ़ावा देना। संपूर्ण देश में और समाज अलग अलग नामों से बोध किया जाता है। आज के नवयुवक मंडल की यह सोच है कि समाज अब बिखरा बिखरा नहीं रहे और समाज को एक मंच, एक संगठन बनाकर समाज के विकास कार्यों को संभव कर सके। इसलिए ऑनलाइन वेबसाइट का उद्घाटन दिनांक 16 अगस्त 2020 प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अतिथि इस प्रकार रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी थे। जगतगुरु श्री रामेश्वर महास्वामी कर्नाटक कार्यक्रम के अध्यक्ष शीशपाल ओड चेयरमैन गुजरात राज्य योग बोर्ड गुजरात सरकार। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अभय भारद्वाज राज्यसभा सांसद जी राम चौहान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाजपा विधायक घनघटा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश श्री लक्ष्मण नापा और भाजपा विधायक रतिया हरियाणा श्री संत प्रसाद चौहान बीजेपी विधायक खनिज गोरखपुर यूपी श्री तुर्का नरसिम्हा सदस्य नोमोडिक और अर्ध घुमतु विकास और कल्याण बोर्ड। कार्यक्रम के प्रारंभ से
राजस्थान ओड समाज के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री पारसराम जी ओड आकस्मिक निधन पर केंद्रीय मंत्री व राज्यों के मंत्री विधायकों व समाज के लोगों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी एवं स्वर्गीय परसराम जी ओड के विचारों पर प्रकाश डाला। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में एक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाज प्राचीन काल से ही देश प्रदेश में विकास कार्यों से में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। समाज में कई महापुरुषों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्य और शौर्य के बल पर समाज की शोभा बढ़ाई है। समाज में कुल देवी जसवा माता की गाथाएं आज भी संपूर्ण भारत देश नहीं संपूर्ण विश्व में गाई जाती है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। सरकार की ओर से जो भी समाज के लिए संभव हो पाएगा वह हर एक प्रयास समाज हितार्थ के लिए इसका किया जाएगा ऐसा केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही वेबसाइट लॉन्च करने वाले सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा और अलवर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अलग अलग प्रदेश में समाज को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। यह सरकार की कमजोरी रही है कि सरकारिया कमेटी ने समाज को एक होने की पहल तक नहीं की। राजनीतिकरण हमेशा से होता आया है। समाज को सिर्फ मात्र वोट बैंक बनाकर रखा गया। समाज के अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टियों को अच्छा नहीं लगता। पिछले 30 वर्षों से निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर रहा हूं और राजनीतिक पार्टियों की अगुवाई भी कर रहा हूं, परंतु समाज को आज दिन तक राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कोई राहत आज दिन तक प्रदान नहीं हुई है। छोटी मोटी व्यवस्थाएं पूरी करके समाज को वोट बैंक बनाने की कोशिश हमेशा की जाती है। निर्मल प्रकाश सूरा ओढ़ कर भरे शब्दों में अपने व्यथा व्यक्त की। गुजरात सरकार योग सेवा के चेयरमैन शीशपाल ओढ़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि समाज को अब संगठित होने की आवश्यकता है। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से निश्चित रूप से समाज एकजुट होगा। मित्रता में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक रीति रिवाजों में निश्चित रूप से भागीदारी होगी। रिश्तेदारों में बढ़ोतरी और आदान प्रदान होगा। योग सेवक ने समाज के लोगों से वादा किया कि समाज की विकास की जहां भी बात होगी वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों में प्रतिनिधित्व करेंगे। समाज की हर एक चिंता पर गहराई से मंथन किया जाएगा। जहां भी कोई कमियां दिखाई देती है उसको सरकार की ओर से पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। उन्होंने समाज की सच्ची सेवा करने वाले भाव वाले व्यक्तियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अभय भारद्वाज राज्यसभा सांसद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज को एक मंच पर लाना वेबसाइट आयोजकों का बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल बताया है। इस पहल से समाज की जनसंख्या के बारे में एवं समाज के सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि राज्यसभा से जो भी समाज के लिए संभव मदद हो पाएगी वह हर एक प्रयास किया जाएगा।
DND केंद्रीय बोर्ड के सदस्य तुर्का नरसिम्हा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश और प्रदेश में ओड समाज अलग अलग भांति भांति में बिखरा हुआ है। सरकारी नीतियों और मंडल आयोजकों की ओर से उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसलिए अक्सर समाज की आवाज़ सदन तक नहीं पहुंच पाती है। जिस प्रकार से आज के आधुनिकीकरण में समाज की जन जागृति देखी जा रही है, वह वक्त दूर नहीं है जब समाज अपना अधिकार लेने के लिए हम संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाएगा। डीएनडी कमेंट का सदस्य होने के नाते मुझे जो भी संभव समाज के लिए सहयोग बन पाएगा, उसके लिए मैं हमेशा वचनबद्ध रहूँगा। उत्तर प्रदेश रतिया विधानसभा के विधायक लक्ष्मण नापा और ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज को राजनीतिकरण में अधिक से अधिक भागीदारी एवं शिक्षा जगत में विकास कार्य हेतु एक प्रकाश डाला। उन्होंने रतिया विधानसभा के समस्त मतदाताओं समाज के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संत प्रसाद चौहान BJP विधायक खजनी गोरखपुर UP श्री तुर्का नरसिम्हा सदस्य अर्ध घुमतु विकास और कल्याण बोर्ड सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समाज के मध्य प्रदेश नीमच जिले में के समाज सेवी सुखलाल पवार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज का प्रतिनिधित्व राजनीतिकरण के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। समाज में अपनी और टकराव एवं प्रतिस्पर्धा की भावना जब तक समाज में बनी रहेगी तब तक समाज विकास नहीं कर सकता। जब तक समाज अपने हृदय से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म नहीं करेगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक विकास नहीं होगा। लेकिन आज के आधुनिकीकरण के माध्यम से विकास कार्यों में अधिक तेजी होगी। आधुनिकी संसाधन भी समाज जागृति में बहुत कारगर साबित होंगे। देश प्रदेश में भांति भांति में अलग अलग बटा हुआ समाज आधुनिकीकरण के माध्यम से एक संगठन बनकर उभर कर सामने आएगा, ऐसा विश्वास प्रतीक हो रहा है। राजा राम चौहान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अति में बिखरे हुए समाज को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक संगठन पर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज के समाजसेवी परमजीत सिंह उत्तराखंड ने बताया कि समाज की देवनगरी हरिद्वार में समाज की धर्मशाला लगभग अंतिम चरण पर निर्माण कार्य चल रहा है। समाज के लोगों से आग्रह किया कि धर्मशाला का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो ताकि कोई भी देवनगरी हरिद्वार में आने वाली व्यक्ति धर्म की सुख सुविधाएं देवनगरी में उनको प्राप्त हो। इसी प्रयास से धर्मशाला का निर्माण किया गया है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील भी की, धर्मशाला के लिए आपसे जो भी बंद पड़ेगा सहयोग भी जरूर प्रदान करें। कर्नाटक से शिव रुद्र स्वामी समाज ने राष्ट्रीय समाज को अब संगठित होने की आवश्यकता है। समाज में अच्छे लोगों की प्रतिभागी ही समाज का विकास। उन्होंने अपने क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में जानकारियां दी गई। वेबसाइट के निर्माताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समाज सेवी नंबर दास एवं किशन राजपूत भारतीय सेना से सेवानित्र किशन राजपूत ने बताया कि समाज में आने वाले भविष्य बच्चों के बारे में हमें गहरी चिंता करने की आवश्यकता है। आज के समय शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार होता है।
वर्ष 2020 में हमारे बच्चों ने यह साबित किया कि उच्च अंक प्राप्त करके समाज के नाम को रोशन किया है। अब समाज का यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आने वाले इस भविष्य के बारे में चिंता करे जहां कमियां दिखाई देती है उनको पूरा करे। जैसा आज का बच्चा है वैसा कल का देश का और समाज का भविष्य होगा। हमें हमारे भविष्य को सशक्त बनाना है। राजस्थान उदयपुर मेवाड़ के समाज सेवी गोविंदलाल ओर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक स्तर पर भागीदारी एवं वैचारिक भागीदारी एवं सांस्कृतिक भागीदारी हर प्रकार से समाज का उच्च प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज को एक मंच पर आने की आवश्यकता है और अपने प्रतिभा को निखारने की भी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के राजसमंद देवनगरी में समाज का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर लगभग 365 वर्ष पुराना है, जो क्षत्रिय और समाज भगवान चार भुजा नाथ के नाम से विख्यात है। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए धार्मिक कार्यक्रम को निरस्त किया गया है, परंतु अगले वर्ष हालात सामान्य रहे तो भगवान चार भुजा नाथ मंदिर में भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष समाज के लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। समाज की सबसे पुरानी यह प्राचीन एकमात्र धरोहर है। प्राचीन मंदिर की रक्षा समाज को करनी होगी। इसके साथ ही समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना होगा। जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही समाज उन्नत और प्रगति करेगा। आज के आधुनिक युग में आधुनिकीकरण के माध्यम से भी समाज में जन जागृति देखी जा रही है। उन्होंने वेबसाइट निर्मित दाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान ऑनलाइन कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व भागीदारी निभाई। कॉन्फ्रेंस में वीरप्पा अनिस्मा माता विवाह समूह लगन बोटाद गुजरात के अध्यक्ष अशोक भाई ओढ़ सत्य खामजानन और जयन परनिया जिला बारा हरजीत बीका चंजी और किशन लाल और आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कॉन्फ्रेंस का संचालन प्रेम और रामदेवरा प्रदेश मंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा ने किया। धन्यवाद की रस्म प्रोफेसर सुनील कलिया द्वारा अदा की गई। और सादर प्रणाम समाज के मित्रों, बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्य नवयुवक मंडल द्वारा किया जा रहा है। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। धीरे धीरे समाज में जागृति आ रही है, नई नई आधुनिक तरीके से वेबसाइट तैयार की जा रही है। निश्चित रूप से इन वेबसाइट के माध्यम से समाज में आदान प्रदान होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से धीरे धीरे समाज में एक तरह की जन जागृति देखी जा रही है। समाज के युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। आज के इस ज़माने में गरीब से गरीब व्यक्ति भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन रखता है अपने पास में और कई प्रकार की आधुनिक तरीके की जानकारियाँ भी रखने लगा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में विकास होगा। टांग खींचाई से, आलोचना से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। पहले से हमारा क्षत्रिय और समाज बिखरा हुआ है, भांति भांति में अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ है। आप तो शुरू से ही जानते हैं कि जिस प्रकार से वक्ताओं ने कहा है कि प्राचीन काल से ही समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति रही है। हमारी समाज में इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं ने भी बहुत डेरा डाल रखा था। आप देखेंगे कि समाज में जिस प्रकार की वातावरण हो रहा है वो बहुत ही दूषित हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे नवयुवक मंडल के प्रयासों से बहुत से विकास कार्य समाज में हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तीन उदाहरण मेरे सामने हैं कि जैसे हमारे समाज में मृत्यु भोज का प्रचलन बहुत भारी पैमाने पर किया जाता है, उस पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया है। उसी प्रकार के जो मृत्यु भोज में जो गलत काम होते थे, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, शराब आदि नशा में उपयोग किया जाता, वो भी लगभग बंद हो चुका है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए समाज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।